अमूल मिठाई मेट मेक्स एनीथिंग डिलीशियस। थाईलैंड में संकी ने 37 को मार डाला। बीवी का बदला 22 बच्चों को भून डाला। मेक्सिको में भी गनबाज की सड़क। मेयर समेत 18 की मौत का तांडव। अमेरिका भी फायरिंग से पहला। बंदूक संस्कृति शूटआउट विदेश वाला। थाईलैंड मेक्सिको के बाद अमेरिका में हुई मास फायरिंग ने इन देशों के गन कल्चर पर सवाल खड़े कर दिए। ये वो देश हैं जहां खिलौनों की कीमत पर बंदूकों का कारोबार होता है। ये वो देश हैं जो पूरी दुनिया में बंदूकों के नाम पर खून का कारोबार करते हैं। ये वो देश हैं जो लोगों को कातिल और क्रूर बनाते हैं। दो दिनों में 3 वारदातों ने इन देशों की पॉलिसी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, और इसके साथ ही ये कहना गलत नहीं होगा कि सूट आउट विदेश वाला। बुरदले सभी सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल शो में आपके साथ मैं हूं शुभम त्रिपाठी। कहते हैं किसी देश को बर्बाद करना है तो वहां हथियार और नशे का कारोबार शुरू कर दो। पश्चिमी देश इसी रास्ते पर हैं। इन देशों का गन कल्चर और विकसित होना अब इन देशों की पीढ़ियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। नशे का कारोबार दूसरे मुल्कों से इस हथियार की संस्कृति को आतंकी संस्कृति में बदल रहा है। ऐसे में आए दिन सामने आ रहा है शूट आउट विदेश वाला। दो दिन और बंदूक से हत्याओं की 3 बड़ी वारदात, ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका से लेकर थाईलैंड तक एक बार फिर से बंदूक के शौकीनों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। फिर से दुनिया को इन घटनाओं ने समाज में हथियारों की होड़ को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। तारीख 6 अक्टूबर 2022, जगह है उत्तरी थाईलैंड। एक रिटायर पुलिस कर्मचारी चिल्ड्रन केयर सेंटर में घुसता है, ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बंदूक की गोली का शिकार 37 लोग हो जाते हैं। जिनमें 22 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं,
गोलीबारी के बाद बंदूकधारी ने खुद की पत्नी और बच्चे की भी हत्या कर दी। बेरहमी से मासूमों का खून बहाने वाले कातिल रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने खुद को भी खत्म कर लिया है। यह है केस नंबर एक, तारीख 6 अक्टूबर 2022, जगह है सैन मिगुएल टोटोलापन मैक्सिको। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में दोपहर के वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। फायरिंग में 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मरने वालों में सिटी मेयर और पुलिस अधिकारी भी बताए गए हैं। हमले के लिए लॉस टकिलेरोस गैंग को जिम्मेदार बताया गया। यह है केस नंबर दो, तारीख 7 अक्टूबर 2022, जगह डियरबॉर्न अमेरिका। अमेरिका के मिशिगन में अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई। बंदूकधारी हमलावर ने हैम्पटन होटल में गोलीबारी कर दी। डियरबॉर्न के होटल में तीसरी मंजिल पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाका दहल उठा। इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने होटल को खाली कराया और चारों तरफ से घेर लिया। कई घंटे तक चले ऑपरेशन में बंदूकधारी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह है केस नंबर तीन। इससे पहले अमेरिका के शिकागो की तस्वीर भी देखिए। 4 जुलाई 2022 को फ्रीडम डे पर निकल रही परेड में एक संकी घुसता है और ताबड़तोड़ वार करता है। करीब 10 लोगों की मौत होती है, 50 लोग जख्मी हो जाते हैं। जिस तरह से बाहरी देशों में बंदूक संस्कृति हावी हो रही है, वैसे वैसे इंसानी जान सस्ती हो रही है। बढ़ता बंदूक का एक कल्चर एक बार फिर दुनिया को डरा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। ये तीन घटनाएं बताने को बहुत है कि समाज में हथियारों की होड़ कैसे आतंकी वारदातों से भी खतरनाक हो सकती है। तीनों देश विकसित देशों में शामिल हैं। अमेरिका पिछली 2 सदी से बंदूक के जख्म झेल रहा है तो मैक्सिको नशे के कारोबार से गन कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। थाईलैंड में धाय धाय, मैक्सिको में धाय धाय, अमेरिका में धाय धाय। बाहरी देशों की इसी बंदूक संस्कृति ने कई लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया। पूरी भीड़ पर एक सनकी बंदूक लेकर हमलावर होता है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है। कई लोगों का खून बहता है और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। फिर से हथियार पसंद दुनिया के ये देश किसी वारदात का इंतजार करते हैं। दुनिया में अमेरिका को सबसे ज्यादा विकसित माना जाता है। अमेरिका ने बंदूक से बढ़ते हमलों की घटनाओं को लेकर बंदूक सुरक्षा कानून भी लागू किया हुआ है, लेकिन अमेरिका के ये आंकड़े डराते हैं। 39 करोड़ लोगों के पास गन है। 1970 के बाद से बड़ी बंदूक संस्कृति, छोटी छोटी दुकानों पर बेची जाती है गन। हर वीकेंड पर बंदूकों की प्रदर्शनी लगती है। दुनिया की 40% बंदूकें अमेरिकी नागरिकों के पास। अमेरिका में 100 लोगों पर 120 बंदूकें। 50 साल में 15 लाख लोगों की मौत बंदूक से हुई। 250 साल में अमेरिका ने इतने सैनिक नहीं खोए। औसतन 53 लोग हर दिन गन से मरते हैं। अमेरिका का पड़ोसी होने के नाते मैक्सिको में भी बंदूक संस्कृति का असर है।
की मैक्सिको में ड्रग का बड़ा कारोबार है। अमेरिका में ड्रग ट्रांसपोर्ट करता है मैक्सिको। ड्रग तस्करी के लिए नए तरीके निकाले जाते हैं। 2015 से 2017 के बीच ड्रग तस्कर गिरोह का आतंक था। ड्रग माफियाओं को सरकार का भी खौफ नहीं, शहर के मेयर को माफिया निशाना बनाते हैं। पिछले 10 साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नशीले पदार्थों के लिए खूनी संघर्ष माना जाता है, लेकिन इन सब के बीच थाईलैंड एक शांतिपूर्वक देश है। विकसित होने के साथ दुनिया भर के पर्यटकों का आकर्षण है, और ऐसे में थाईलैंड में होने वाली ये खूनी घटना लोगों को डरा रही है। हालांकि इससे पहले भी थाईलैंड ऐसी वारदात देख चुका है। साल 2020 में भी फायरिंग की घटना हुई। संपत्ति के सौदे को लेकर हुई थी घटना। एक सैनिक ने घटना को दिया था अंजाम। 29 लोग मारे गए थे, 57 लोग हुए घायल। ऐसे में एक बार फिर थाईलैंड का थर्राना लोगों में दहशत बन गया है, साथ ही पर्यटन को लेकर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। टीम न्यूज स्टेट। Dinner.